नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं काउंटेरिया एजुकेशन चैनल पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर ना हार्डर नसीबे। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आपको पढ़ा रहे हैं पूरा एक सिस्टमेटिकल डायग्राम, इसमें कि हम लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 को पूरा चैप्टर को चैप्टर 17 जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी राज्य व्यवस्था को पूरा समाहित कर रहे हैं एक चार्ट में, फ्लो चार्ट में। जो विद्यार्थी नए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काउंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, विविध होगा हमारा सब्जेक्ट और हमारा क्रम संख्या होगा 48 और इसमें हमारे पास है लोकपाल की रिपोर्ट। फिर 49 सीरियल नंबर में हमारे पास है स्टडी करने के लिए लोकपाल। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब हम इसका एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो लोकपाल एक अपीली प्राधिकरण की तरह काम करेगा। जहां सही मंशा से लोकपाल का जो कार्य होगा, सही मंशा से किसी सरकारी सेवक, सही मंशा से किसी सरकारी सेवक द्वारा किए काम का दबाव, काम का बचाव, काम का बचाव और 51 है सही मंशा से ये सारे काम करेंगे लोकपाल। 51वां है पॉइंट सही मंशा से दूसरों द्वारा किए काम का बचाव। विषय हमारा चल रहा है कि विविध है, इसमें हमारे लोकपाल क्या क्या करते हैं और इसमें लोकपाल के सदस्य की बात करेंगे। अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी सेवक ही हो, सरकारी सेवक ही होंगे। फिर 53 हमारे पास जो पॉइंट है क्रम संख्या, इसमें हम पढ़ेंगे विषय हमारे विविध में है कुछ मामलों में आवेदन पर बंधन है। हर मामले में आवेदन आप नहीं दे सकते, हर तरह के मामले को नहीं सॉल्व करेगा बट्समैन। 54 हमारे पास क्षेत्र अधिकार पर रोक भी है, इनके कुछ क्षेत्र अधिकार नहीं मिले हैं। फिर 55 है कानूनी सहायता, इनको कुछ कानूनी सहायता भी मिलती है, कानून द्वारा सहायता मिलती है जहां इनको जरूरत होती है तबीज देने की या जांच में। इसके बाद जो एक्ट हमारा है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, तो उसका सर्वोपरि सर्वोपरि प्रभाव होना चाहिए, तो ये हुआ। फिर 57 आया नंबर, इस एक्ट के, इस एक्ट के प्रावधान दूसरे कानूनों, एक्ट कौन सा है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, तो इस एक्ट के प्रावधान दूसरे कानूनों के अलावा होंगे, मतलब दूसरे कानूनों के अलावा ये सारे भी प्रावधान होंगे। फिर 58 आता है कुछ क्रियान्वयनों में संशोधन,
क्रियान्वयनों में संशोधन। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास, देखते जाइए, ये सारे विविध हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट है हमारा चार्ट का। आई होप यू ऑल, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है विविध पॉइंट्स में है 59 नियम कानून, नियम कानून बनाने का अधिकार, और 60 हमारे पास है लोकपाल का नियम बनाने का अधिकार। अम्बुड्समैन इंस्टीट्यूट होते थे स्वीडन में, उसी प्रणाली पे हमारे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना, लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट में और लोकायुक्त हमारे विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए। उसी के अंतर्गत हमने चैप्टर भी कंप्लीट किया है, लोकपाल और लोकायुक्त का चैप्टर 17 कंप्लीट, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हम ये समरी फ्लो चार्ट है जो कि आज चौथा लेक्चर है इस पर, समरी फ्लो चार्ट पे ये हम कंप्लीट कर देंगे। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर की समरी मिल जाती है। नियमों का निर्माण और 62 है बाधाओं को दूर करने का अधिकार। बाधाओं को दूर करने का अधिकार। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये देखिए हमने विषय बनाया है, अब सब्जेक्ट हमारा आएगा ये विविध विषय। अब हमारे पास है लोकायुक्त की स्थापना। अभी तक हम लोकपाल के बारे में पढ़े थे इस फ्लो चार्ट में, अब है हमारा फ्लो चार्ट का विषय है लोकायुक्त की स्थापना। इसमें कि हमारा सीरियल नंबर ये ऐसे चलेगा, सीरियल से 63 आएगा कि लोकायुक्त की स्थापना। ठीक है, फिर सब्जेक्ट हमारा बदलेगा, सब्जेक्ट है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की अनुसूची कि इस परिपेक्ष में कुछ क्रियान्वयनों में संशोधन, कुछ क्रियान्वयनों में संशोधन। तो इसमें भाग एक हमारे पास है, क्या क्या संशोधन है। भाग एक में है लोकायुक्त के जांच आयोग एक्ट 1952 में संशोधन। कौन सा 1952 में संशोधन किया गया था जांच आयोग एक्ट में। फिर भाग दो हमारे पास है, भाग दो है दिल्ली विशेष पुलिस, ध्यान आ रहा आपको, हमने पढ़ाया था दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, और 1946 में संशोधन, ध्यान है। इसके बाद भाग तीन था हमारे पास लोकायुक्त का, भाग तीन में संशोधन जो किए हैं अनुसूची अधिनियम की अनुसूची में, तो भ्रष्टाचार निवारक, भ्रष्टाचार निवारक निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन, इसका भाग चार है आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1972 में संशोधन, और जो हमारे पास पॉइंट है भाग पांच यहां लोकायुक्त, लोकायुक्त की स्थापना और लोकायुक्त की स्थापना की गई इसके बाद अधिनियम की अनुसूची। यहां देखिए जो बोल्ड हेडिंग हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है अधिनियम की अनुसूची, तो
तो उसमें क्या है कि कुछ क्रियान्वयनों में हमने अमेंडमेंट किया है, उसका संशोधन, ये हमारा सब्जेक्ट है यहां पे, क्या है अधिनियम की अनुसूची। तो भाग वाइज होगा, कौन कौन से भाग में क्या क्या है, तो कुछ क्रियान्वयनों में अमेंडमेंट जो किया गया है, संशोधन। तो भाग एक में जांच आयोग एक्ट 1952 में संशोधन, भाग दो में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन, भाग तीन में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में संशोधन, भाग चार में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1972 में संशोधन, और भाग पांच में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट याद आ रहा आपको 2003 में संशोधन, आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ाया था ये सारे टॉपिक आपको संशोधन। ये देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर 17, अब चैप्टर 18 हम आपको अब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाएंगे, हम आपको रिवीजन करा देते हैं, आप रिवीजन कॉपी ओपन करिए, हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं इसका पूरा, उसके बाद हम नए चैप्टर नए लेक्चर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए हम आपको रिवीजन करा देते हैं, देखिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो क्रम संख्या है और सीरियल नंबर और सब्जेक्ट है, विविध सब्जेक्ट के अंतर्गत है कि नियम कानून बनाने का अधिकार, लोकपाल का नियम बनाने का अधिकार, नियमों का निर्माण, बाधाओं को दूर करने का अधिकार, फिर सब्जेक्ट हमारा होता है लोकायुक्त की स्थापना, जिसमें की एक हमारे पास टॉपिक है लोकायुक्त की स्थापना होती है, फिर सब्जेक्ट है अधिनियम की अनुसूची, कुछ क्रियान्वयनों में संशोधन। तो भाग एक में जांच आयोग एक्ट 1952 में संशोधन, भाग दो में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन, भाग तीन में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में संशोधन, भाग चार में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1972 में संशोधन, भाग पांच में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में अमेंडमेंट। इस तरीके से हमारा चल रहा है, हम फ्लो चार्ट परफॉर्म कर रहे हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013, इसके अंतर्गत हमने आपको चीजें पढ़ाई। इसके पहले हमने आपको जो पढ़ाया था ये था कि लोकपाल के सदस्य अधिकारी कर्मचारी सरकारी सेवक होंगे, कुछ मामलों में आवेदन पर बंधन होगा और क्षेत्राधिकार पर रोक होगा, कानूनी सहायता एक्ट का सर्वोपरि प्रभाव होगा, इस एक्ट के प्रावधान दूसरे कानूनों के अलावा होंगे, कुछ क्रियान्वयनों में संशोधन होगा, नियम कानून बनाने का अधिकार होगा, लोकपाल का नियम बनाने का अधिकार होगा, नियमों का निर्माण होगा, बाधाओं को दूर करने का अधिकार होगा। और विविध में हमारे पास था कि लोकपाल की रिपोर्ट होगी, इसके बाद लोकपाल एक अपीलीय प्राधिकरण की तरह काम करेगा, जहां पे सही मंशा से किसी सरकारी सेवक द्वारा किए गए काम का बचाव, सही मंशा से दूसरे द्वारा किए गए काम का बचाव, ये सारी चीजें हमारे मेस्कुलेनियस प्रॉपर्टी में आती थी। इसके बाद हमारे पास जो न्यू चैप्टर है हम आपको बता देते हैं, चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ, कल से हम लोग इस चैप्टर को फॉलो करेंगे, फ्लो चार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, आप लोग इस लेक्चर को दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, जितने भी चार लेक्चर हमने फ्लो चार्ट बताए हैं फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी समरी है चैप्टर की, आपको पता लग जाएगा क्या है। अब हमारे पास देखिए चैप्टर 18 है, चैप्टर 18 हमारे पास है, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये हमारा नया चैप्टर होगा चैप्टर 18, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आइए आपको हम थोड़ा वैकेंसी अपडेट आज का बता देते हैं,
स्टूडेंट्स आपको हम जॉब अलर्ट आज का बता देते हैं। जॉब अलर्ट आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी जॉब है। जॉब्स है हमारे पास नेवी में, इंडियन नेवी में हमारे पास जॉब है, चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्टमैन, नाइन हंड्रेड टेन पोस्ट है। 31st of December लास्ट डेट है, 31st of December लास्ट डेट है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब है, 92 पोस्ट है, इसमें है मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी है, 31st of December इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद हमारे पास डीएफई में है जॉब, डीएफई में है 21 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों 21 पोस्ट है। सहायक अनुदेशक, सहायक अनुदेशक एवं खेल अधिकारी, खेल अधिकारी की पोस्ट है। लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब है, आईबी आप जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, 226 पोस्ट आईबी में, 226 पोस्ट आई है, बहुत अच्छा। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर और टेक्निकल, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर उनकी टेक्निकल पोस्ट आए हैं, 226 पोस्ट, 12 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी जरूर आप भरिएगा। इसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी में है, 11 पोस्ट आई है आईटीबीपी में, जॉब आई है कमांडेंट इंजीनियर, कमांडेंट इंजीनियर होता है हमारा कमांडेंट, ये पोस्ट है 11 पोस्ट, इसकी लास्ट डेट है 9th of January। इंजीनियर और कमांडेंट का रैंक दिया इन्होंने आईटीबीपी में, 9 जनवरी 2024। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एनआरएससी विंग में फॉर्म आई है वैकेंसी, 54 पोस्ट है एनआरएससी जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, 54 पोस्ट, टेक्नीशियन बी पोस्ट है, टेक्नीशियन बी है। इसकी लास्ट डेट है 31st of December 2023। इसके बाद आपके पास जो रोजगार है मैं बता दे रहा हूँ, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता में लेखा अधिकारी और सहायक के पद रिक्त हैं, 29th of February 2024 लास्ट डेट है, और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली में सलाहकार के पद पर हैं पोस्ट, जो कि 12 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, जिसकी वेबसाइट है www.trai.gov.in। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमटेरिया पर। हमने जो फ्लो चार्ट आपको पढ़ाया, जो वैकेंसी अपडेट बताई, जिस तरीके से हम चल रहे हैं एमपीपीसीएस के पेपर हम बहुत जल्द सॉल्व करा देंगे आपको, एमपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ गई है प्रोविजनल, इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, हम अभी कोशिश कर रहे हैं एमपीपीसीएस का आपको पी का पेपर सॉल्व करा देते। लेकिन एक चीज और है कि एमपीपीसीएस के भी 2019, 20, 21, 22 कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है रिजल्ट, और 23 का प्री हुआ है, 2023 का प्री हुआ है 17th of December 2023 को, जिसमें कि 231,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से कि 161,000 विद्यार्थियों ने अपीयर हुए एग्जाम में, ध्यान दीजिए अपीयर हुए एग्जाम में 161,000। तो जो विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं पर उनको अच्छा चांस है। आप लोग को सभी एपीपीसीएस कैंडिडेट्स के एस्पिरेंट्स को कॉम्पिटिटर की तरफ से शुभकामना, आप लोग अपने जीवन नित्य
प्रगति के एक नया आयाम स्थापित करें। आपके हर कदम पर, हर एक परिश्रम में सबकंधे से कंधा मिलाकर कॉम टेरिया एजुकेशन चैनल हमेशा तैयार है। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का ये प्रोग्राम तब तक फ्री रहेगा जब तक हमारे जान में जान है। जब तक हम कोशिश करेंगे कि हम फ्री दे सकते लेक्चर, तब तक मैं फ्री लेक्चर देता रहूंगा। हमारा ये प्लेटफॉर्म है फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और बहुत ही परिष्कृत बहुत ही वेल प्यूरिफाइड वेल डिजाइन वेल रिसर्च मॉड्यूल में मैं इसको परफॉर्म करता हूँ लेक्चर्स को। एक एक प्रश्न एमपीपीसीएस के कॉन्स्टिट्यूशन का चुन चुन के आया हुआ है आपके एमपीपीसीएस 2023 के पेपर में। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए जो विद इन वन ईयर हमने पूरे दिए हैं। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लगातार हमने कई लेक्चर्स दिए हैं, तकरीबन मुझे लगता है कि 1000 लेक्चर्स हमने परफॉर्म कर दिए यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। आप उसका लाभ लीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, जो जहाँ भी फ्री एजुकेशन पाने के इच्छुक हों, अच्छी परिस्थिति लेवल के वीडियोस और कंटेंट देखने के इच्छुक हों, वो जरूर बताएं। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।